नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाज लोकसभा सदन में अपनी नुमाइंदगी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा सिख समाज को लोकसभा में उम्मीदवार बनाने की मांग जारी है। जहां ऐसी गाड़ी में मंगलवार को इंदौर के प्रेस क्लब में फिर समाज द्वारा पश्चिम विधानसभा सीट जबलपुर से सरदार हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने की मांग को लेकर प्रेस वार्ता की आयोजित की गई। इस दौरान श्री गुरु सिंह सभा महासचिव जसबीर सिंह गांधी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि देश की आज़ादी में सिखों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। अधिक गुरुओं में सनातन की रक्षा के लिए, इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बावजूद इसके पिछले लंबे समय से सिख समाज की अनदेखी विधानसभा को लोकसभा चुनाव की जा रही है, जिससे नाराज श्री गुरु सिंह सभा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में जबलपुर से सरदार हरिंद्र जी सिंह बब्बू आपको उम्मीदवार बनाने की मांग की है। साथ ही अन्य राज्यों से भी सिख समाज को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की अपील की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिख समाज लोकसभा सदन में अपनी बात रख सके। क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश सिखों की शान सरदार हरिंदर जीत सिंह बब्बू जी को लोकसभा में चुनाव के लिए जबलपुर से टिकट दिए जाने के बाबत ये सभा बुलाई गई है। हम देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इनको याद दिलाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सिख समाज है वो पूरा ही बीजेपी के साथ खड़ा है हमेशा, और कई सालों से, इससे पहले सरदार सरताज सिंह जी को जो यहाँ से टिकट दिए गए और जीत कर वो लोकसभा में पहुँचे थे, उसके बाद कई सालों तक आज तक किसी भी सिख समाज के जो नेता हैं उनको ये टिकट नहीं दी गई। हमारी केवल इंदौर सिख संगत की ओर से ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की सिखों की ओर से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री अमित शाह जी को, कि राजस्थान और गुजरात और जितने भी अड़ोस पड़ोस के प्रदेश हैं और मध्य प्रदेश, कहीं से भी सिखों को नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। सिख समाज चाहता है कि पंजाब से बाहर रहते हुए सिखों की आवाज जो है वो लोकसभा तक कैसे पहुंचाई जाए। जब हमारे जो लीडर हैं वो लोकसभा के सदस्य होंगे तभी हमारी जो आवाज़ ऐसे कौम की वहां तक पहुंच पाएगी। और हमेशा ही ये उम्मीद करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे और समाजों को प्रतिनिधित्व देते हैं, ऐसे सिख समाज को क्यों अनदेखा किया जा रहा है, ये भी सवाल सिख समाज के अंदर खड़ा होता है। क्योंकि सिखों की कुर्बानी जो है 96% देश को आज़ादी दिलाने के लिए सिखों ने अपनी कुर्बानी दी, सिख गुरुओं ने और सिखों ने सनातन धर्म को बचाने के लिए, जो सनातन धर्म की सरकार आज सेंटर के अंदर चल रही है, हम चाहते हैं वैसे ही हमारा जो नुमाइंदा है सरदार श्री बब्बू जी जो है हमारे भैया, उनको ये नुमाइंदगी वहाँ लोकसभा से इनको जबलपुर से टिकट दी जाए। हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि अवश्य जीत दिलाकर इनको वहाँ लोकसभा में भिजवाएंगे। और हमारी सभी सिख समाज पूरे मध्य प्रदेश के सिखों की ओर से निवेदन है श्री नरेंद्र मोदी जी को कि बब्बू भैया को ये टिकट दी जाए। इस समय एक बड़ा आंदोलन जो है वो देश में चल रहा है, जिसका नेतृत्व जो है वो सिख समाज के लोग कर रहे हैं पंजाब में, क्या कहेंगे उस किसान आंदोलन को लेकर? ये कोई नया आंदोलन नहीं है, जब से जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है उससे पहले भी जितने भी आंदोलन चले हैं वो पंजाब से चले, सिखों के चले, ये विषय वो नहीं है। लेकिन ये विषय केवल और केवल सिख समाज की ओर से हमारे जो बब्बू भैया हैं उनको टिकट दिलाने के लिए, हम रिक्वेस्ट करने के लिए ये सभा बुलाई है। टिकट नहीं मिलता तो आप किस तरह से? नहीं, रहेंगे तो हम बीजेपी के साथ ही, लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है कि अपने समाज के जो नुमाइंदे हैं उनको आगे लाने का, ये जरूरी हमारा कर्तव्य है। क्योंकि आप सिख समाज से हैं, कमलनाथ जी का अभी खबरें चली थी कि बीजेपी में, अब नकुलनाथ जी का नाम चल रहा है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 84 के दंगों की भी बिल्कुल हम खिलाफत करते हैं उनकी, हमेशा करते रहेंगे। जब तक हमारे श्वास हैं तब तक कमलनाथ दोषी है, दोषी पाया गया है वो,
वो दोषी रहेंगे, हम बिल्कुल मुखालफत करते हैं। आपका नाम बताना। मैं जसवंत सिंह ज्ञानी, स्टेट सेक्रेटरी सिरपुर सिंह सभा इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।